आमतौर पर लोग बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध जयंती को एक ही मानते हैं। इन दोनों में अंतर जानने से पहले हम भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध में अंतर जान लेते हैं, जिन्हें अधिकतर लोग एक ही मानते हैं, लेकिन ये दोनों एक नहीं हैं। भगवान बुद्ध विष्णु जी के 9वें अवतार माने गए हैं, जिनका अवतार 5000 साल पहले हुआ था, जब दैत्यों का आतंक बढ़ गया। असुर यज्ञ कर शक्तिशाली बनना चाहते थे। देवताओं को डर था कि दैत्यों की शक्तिशाली होने पर संसार में अधर्म अपना पैर पसारने लगेगा। इसे रोकने के लिए देवताओं ने विष्णु जी की शरण ली। तब श्री हरि ने भगवान बुद्ध का रूप धर लिया। उनके हाथ में मर्जनी थी और वो रास्ते का वो साफ करते हुए आगे बढ़े। दैत्यों के पास पहुंचकर भगवान बुद्ध ने कहा, ये यज्ञ करना उचित नहीं, इससे जीवों को नुकसान पहुंचता है। जीव हिंसा रोकने के लिए मैं स्वयं रास्ते को साफ करते हुए चल रहा हूँ। भगवान बुद्ध की इस बात का असर दैत्यों पर पड़ा और उन्होंने यज्ञ करना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद असुरों की शक्ति कमजोर पड़ गई। स्वर्गलोक में पुनः देवताओं का आधिपत्य हुआ। जीव हिंसा रोकने और संसार के कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने बुद्ध का अवतार लिया था। वही ललित विस्तार ग्रंथ के 21वें अध्याय के 178 पृष्ठ पर यह बताया गया है कि ये मात्र संयोग ही है कि गौतम बुद्ध ने उसी स्थान पर तपस्या की जिस स्थान पर भगवान बुद्ध ने तपस्या करने की लीला रचाई। बौद्ध धर्म के लोग गौतम बुद्ध को विष्णु जी का अवतार नहीं मानते। गौतम बुद्ध का जन्म 477 BC में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन और माता माया देवी थी। बुद्ध पूर्णिमा पर हिंदू धर्म के लोग भगवान विष्णु के बुद्ध अवतार की उपासना करते हैं, स्नान दान करते हैं, जबकि शांति और अहिंसा के प्रतीक गौतम बुद्ध को मानने वाले उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण लेते हैं, दान भी देते हैं। वही बुद्ध पूर्णिमा को लोग बुद्ध जयंती के रूप में भी मनाते हैं। भारत ही नहीं बल्कि कई अलग देशों में भी गौतम बुद्ध के अनुयायी रहते हैं और वो इस दिन को बुद्ध जयंती के रूप में मनाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।